तो गाइस क्राउड चेक करो भाई, काफी तगड़ा क्राउड है। अपना वायरस बीच में खड़ा है भाई, देखो डाके से डरेगी कहीं। ओ शुभम भैया, शुभम भैया, शुभम भैया, यहाँ पे ये हो रहा भाई, सारा स्कूल का मतलब विसर्जन वगैरह कुछ। हाँ देखो भाई। तो फाइनली गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग ना भाई, ढेर सारा भाई लोग हैं यहाँ पे। वैसे दीपक है, आदित्य है और अपना वायरस है। अभी फटाफट से चिंटू भैया के पास निकलते हैं, उसका बाद जाके मिलते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे लगा है मेला भाई, बहुत तगड़ा वाला मेला, और आज से स्टार्ट है भाई मेला। भाई लोग का रिएक्शन चेक करो। वैसे अभी फ़िलहाल अपन भाई हट जा। तो चलो अभी फटाफट से ना कुछ बिना बकचोदी के चिंटू भैया के पास जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं भाई। तो फाइनली गाइस चेक कर सकते हो भाई, आगे चल रहा है चिंटू भैया, शुभम भैया, और मेरे साथ साथ है दीपक, आदित्य और मैं भाई। तो अभी देखते हैं कहाँ का प्लानिंग है जाने का। हाँ देखो भाई, इसे कहते हैं आफत। ये ये, अरे बाप रे बाप, ये फिर बचा रे भाई। हम तो चिंटू भैया का पटाखे से डरेगी कहीं। ओ शुभम भैया, शुभम भैया, शुभम भैया, ये भी लंबा तगड़ा तगड़ा ये चिंटू भैया ना, माँ कसम नहीं सुधरने वाला। यहाँ पे ये हो रहा भाई, सारा स्कूल का मतलब विसर्जन वगैरह कुछ हुआ है या फिर होने जा रहा है भाई। तो अभी चिंटू भैया पूरा बम बम पटाखा फोड़ रहा था यार। तो चलो अभी सीधा। देखो तो एक पड़ाका यहाँ देगा ही देगा। बूम गाइस चेक करो, ये रहा बिल्ली, खतरनाक। ओ भाई साहब एक नंबर। देखेंगे जो आगे पीछे हो गया बस। हाँ ठीक है। तो गाइस चिंटू भैया का साथ जो है शुभम भैया, कॉन्टिनेंटल GT650 वाले, वो बोल रहे हैं हमसे ड्रैग करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या सीन है भाई ड्रैग का। शुभम भैया, शुभम भैया कहाँ बोल रहे, बोलिए, काची बोल रहे थे ड्रैग करेंगे ना काची। सुनिए छह गियर तक जे आगे रहा, छह गियर है ना आपका, मैं पांच गो, तब मेरा भी पांचे गो है। तो पांच गियर तक जे आगे रहा मेरा, हाँ स्लो, हाँ चलो रुको रुको रुको, बिस्मिल्लाह। ओए ड्यूक 390 से कोई कंपैरिजन नहीं है हम लोग का। चलो भाई अपना वायरस वायरस है, अभी भी मतलब क्लच प्लेट वगैरह चेंज होगा, मोबिल चेंज होगा, फिर इसका पावर खुलेगा। भाई साहब मेरा पीछे पीछे तीन को लड़का खींच रहा था, हमको समझ में आ रहा, ये तीनों खींच रहा था। ड्यूक 390 V3, मेन बात कॉर्नरिंग में अगर कोई बंदा लीन करके निकल जाए तो वो डिपेंड करता है, बाकी हाई सीसी मायने नहीं रखता भाई। अगर आप कॉर्नरिंग अगर लीन करके निकल जाते हो हाई स्पीड में, और अगर हाई सीसी वाला बंदा कॉर्नरिंग में अगर ब्रेक मारता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है भाई। गाइस चेक करो भाई साहब, खतरनाक, मारो मारो, अरे कहाँ नहीं आता, देखो कितना लंबा लंबा मार रही है।
खतरनाक। तो फाइनली गाइस ये रहा ड्यूक 390 भाई VS6। तो ये रहा 390 है भाई, बाकी इसका फायरिंग मेरे को थोड़ा सा अलग लगता है ये वाला चीज। वो भी देखते हैं इसका पावर कैसा है, थोड़ा सा टानेंगे उतना भी नहीं खींचेंगे, नया गाड़ी है। बहुत पावर है भाई, बहुत गंदा पावर है यार इसमें। ए मारा स्टॉप ही नहीं होगा। ओह खतरनाक। तब कैसा है चिंटू भैया? तो भाई चेक करो भाई, चिंटू भी आ रहा। और देखो दो बार तीन बार अरे 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 खतरनाक खतरनाक। तो गाइस क्राउड चेक करो भाई, काफी तगड़ा क्राउड है, अपना वायरस बीच में खड़ा है भाई। और देखो ये भाई मिला था मुझे शादी में भाई साहब, आने का कुछ और फाका फाका एरिया, अभी जाने में कुछ और भाई। और देखो राम को देखो खेत तरफ से आ रहा है, अबे साला सुधर जाओ। तो गाइस अभी फटाफट से वहां से निकल चुके हैं, बहुत ज्यादा कचरा हो गया था भाई, खतरनाक वाला सीन होके रखा है भाई। अभी जो खींच रहा ना इतना डेंजर खींच रहा ना कि क्या बताएं। चलो लीन मारा मारे। तो गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल आगे रील शूट हो रहा है भाई। तो चलो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दबा के कर देना। तो मिलते हैं अच्छे से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर ऑल।